हापुड़ में 14 साल की मासूम के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां पर गांव के दो लोगों पर मासूम के साथ ही गैंगरेप करने का आरोप लगा है। वहीं जब पीड़िता गर्भवती हुई तो मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही पीड़िता को तत्काल मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की माने तो अब से पहले पीड़िता द्वारा चौकी और थाने में आकर कोई शिकायत नहीं दी गई थी। लड़की आज से करीब 6 माह पूर्व गांव के ही अभिषेक के यहाँ आरओ का पानी लेने गई थी। उसी दौरान अभिषेक एवं उसके एक साथी द्वारा उसके साथ गलत कार्य किया गया। इस आशय की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। आरोपित की तलाश की जा रही है। आरोपित पक्ष के परिजनों से पूछताछ भी जारी है। यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि ये लोग एक ही गांव के हैं, एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं और इससे पूर्व थाना स्तर पर, चौकी स्तर पर किसी भी प्रकार की सूचना इनके द्वारा नहीं दी गई थी। वहीं पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बता दें, ये पूरा मामला हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर करीब 6 महीने पहले 14 साल की मासूम जो घर में पानी लेने के लिए गई थी, तभी कुछ युवकों द्वारा मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने डर के कारण अपनी आपबीती किसी को नहीं बताई और अब जाकर पीड़िता के पेट में जब दर्द रहने लगा तो पीड़िता ने अपने परिजनों को पेट में दर्द होने की शिकायत बताई, जिसके बाद परिजन पीड़िता को डॉक्टर के पास ले गए। जिसके बाद डॉक्टर ने जब पीड़िता के गर्भवती होने की बात बताई तो परिजनों के होश उड़ गए। इसके बाद पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि गांव के ही दो लोगों द्वारा उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मामला सामने आने के बाद परिजन पीड़िता को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। लड़की गांव में एक के घर में पानी लेने गई, वहाँ दो लड़के थे, उन्होंने ज़बरदस्ती हमारी लड़के के साथ में रेप कर दिया। हमें कुछ पता नहीं पड़ी, हम मजदूर हैं, हमें कोई जानकारी नहीं इस मामले में। वे दबंग आदमी हैं, पैसे वाले हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। हमें 6 महीने पीछे, अब 6-6.5 महीने बाद अब पता पड़ी, जब लड़की ने बताई कि मेरे पेट में दर्द रहता, हमने जाँच पड़ताल करवाई, दिखाई बलाई तो पता पड़ा, हमने अपनी लड़की को पूछताछ करी तो हमारी लड़की ने उन दोनों का नाम बताया। हापुड़ से श्याम शर्मा की रिपोर्ट।